इस साल की सबसे धमाकेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ये है लेजर प्रोजेक्टर, वो भी 4K नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में। इसको दीवार से दूर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मिलती है यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन, वो भी 4K में। और इस वीडियो को भगाने से आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि 2023 चल रहा है और इस तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो। इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के यूनिक गैजेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अब देखो जी, प्रीमियम चीज है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पूरा लेना चाहिए ना फिर चीज का। तो पहले मैं बताता हूँ इसका नाम, ये है ZATCO Bliss, एक नया 4K प्रोजेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4K लेजर होम सिनेमा प्रोजेक्टर। नीचे की तरफ में इसकी जानकारी दे रखी है, 4K HDR, ALPD, DTS HD, Dolby Audio, इनकी बात मैं आगे करूँ। लेजर प्रोजेक्टर या फिर कहें कि लेजर टीवी, लाइट्स ऑन में इसकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके की मिलती है और फीचर्स इसमें भर भर के दे रखे हैं जो एक 4K टीवी में आपको मिलते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तगड़ा है यहाँ पे। यूजर मैनुअल मिलती है, लेंगे इस प्रोजेक्टर को तो संभाल के रखना काम आएगी। उसके बाद में यहाँ पे क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है प्रोजेक्टर को साफ करने के लिए, और नीचे का कंपार्टमेंट ओपन करते ही आपको ये चीजें यहाँ पे मिल जाती है। एक पावर केबल मिलती है, 2 बैटरीज मिलती हैं और साथ में मिलता है इसका रिमोट कंट्रोल। और ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, साथ ही में ये रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ पे काम करता है तो कहीं से भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं मिलने वाला। अब ये प्रोजेक्टर मैंने खरीदा नहीं है तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ZATCO इंडिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस प्रोजेक्टर को आप टेस्ट करके अपना ओपिनियन आप सामने पेश कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की जो पहली फील है ना, पूरी प्रीमियम लेवल की है, इसलिए ये वीडियो भी प्रीमियम लेवल का होने वाला है। यहाँ पे आगे की तरफ में पूरा साउंड बार वाला सिस्टम जो है लगा हुआ है, स्पीकर की क्वालिटी भी तगड़ी है, सब बताऊंगा वीडियो में। ऊपर ZATCO की ब्रांडिंग मिलती है और यहीं पे नीचे की तरफ में आपको लेजर लाइट मिलती है। नॉर्मल LED प्रोजेक्टर्स में LED लैंप लगा होता है, लेकिन इसमें लगा है एडवांस लेजर फॉस्फोर डिस्प्ले। यहाँ पे अगर आप सामने की तरफ देखेंगे ना, तो यही इसका मेन लेंस है और इसके बगल में आप ये दो चीजें देख रहे हैं, ये आई प्रोटेक्शन सेंसर है। अब इससे बेसिकली क्या होता है ना, इसमें से लेजर लाइट निकलती है जो कि बहुत तेज है। जैसे इसके सामने जैसे मैं हाथ लेके गया तो देखो ये लेजर लाइट बंद हो गई, तो अगर आप इसके सामने देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टैंड बाय पे चला जाएगा और स्क्रीन पे आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि भैया अपनी आंखों से इस लेजर लाइट को मत देखो। अब लेजर प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर तो हीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे दे रखा है डबल फैन। और नीचे की तरफ में यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट देखने के लिए मिलता है, पेन ड्राइव लगानी हो तो। दूसरी तरफ में आपको हीट सिंक इसकी देखने को मिल जाती है। और पोर्ट्स की बात करूं तो एक साइड में पोर्ट मैंने आपको USB का दिखाया, बैक साइड में एक और USB का पोर्ट, एक HDMI का इन, उसके अलावा एक HDMI का ARC वाला पोर्ट मिलता है, एक ऑडियो आउट का पोर्ट मिलता है, एक AV इन का पोर्ट मिलता है, एक LAN का पोर्ट है और नीचे की तरफ में इसका पावर पोर्ट है। पोर्ट्स की यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलने वाली। प्रोजेक्टर के ऊपर में आपको एक पावर का बटन मिलता है, यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो यहाँ एक बड़ा सा स्पीकर देखने को मिलता है जिसमें 15-15 वाट के 2 वूफर्स और 15-15 वाट के 2 ट्वीटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि टोटल आउटपुट्स आपको 60 वाट्स का मिलता है। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर ही आगे पीछे करने पे आप इसकी स्क्रीन का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें सीलिंग माउंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो सीलिंग माउंट करना चाहें तो आप इसको इजीली सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर मात्र 1.6 फीट की दूरी से 150 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है, तो इसका थ्रो रेशियो है 0.233:1। सबसे पहले यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो LED नहीं है, यहाँ पे ALPD लाइट सोर्स है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो है DMD DLP। इस प्रोजेक्टर के अंदर जो CPU लगा हुआ है वो है MT, यानी कि MediaTek का 9669। यहाँ पे आपको Android 9 मिलता है और यहाँ पे आपको 3GB की RAM और 32GB की ROM इस प्रोजेक्टर में मिल जाती है। अब लूमेंस के बारे में भी जानना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 2500 ANSI लूमेंस और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 3000:1। नंबर सुनने में आपको कम जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉर्मल जो आम LED प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें इससे 3 गुना या 4 गुना नंबर्स भी हो, ये फिर भी उनसे ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और लाइट सोर्स बिल्कुल ही अलग है एक नॉर्मल LED प्रोजेक्टर से, तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस भरपूर मिलने वाली है। ये प्रोजेक्टर HDR10 MEMC स्क्रीन मिररिंग आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ में आता है, साथ में इसमें डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन भी है और HDMI ARC का तो पोर्ट यहाँ पे दे ही रखा है। पावर कंजम्पशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्टर आपका 300 वाट मैक्सिमम पावर लेने वाला है। अभी ये वॉल पे मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है, मैं इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके भी बताऊंगा और फर्क क्या है वो भी बताऊंगा। सेटिंग में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन तो मिलता है, इस प्रोजेक्टर को आप एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर ही 60 वाट का दे रखा है, तो उसका जो साउंड बार है ना प्रोजेक्टर के आगे, उसको आप एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा।
भाई इसका मेन हाईलाइट ही इसका डिस्प्ले है। यहाँ पे ब्राइटनेस मोड के अंदर जाएंगे ना तो स्टैंडर्ड और ब्राइटेस्ट दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बाकी आप यहाँ पे इमेज पैरामीटर्स में जाएंगे तो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले आप यहाँ पे चाहें तो मोड्स को चेंज कर सकते हैं, बाकी अगर आप कस्टमाइज करना चाहें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन को, तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कीस्टोन करेक्शन अपने आप सेट हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहें कीस्टोन को मैन्युअली करेक्ट तो 4 पॉइंट और 8 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। इसी के साथ में इसमें फोकस का ऑप्शन भी है। फोकस भी अगर आप 4 पॉइंट फोकस सेट इसका करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। कॉर्नर ब्लर का इशू इस प्रोजेक्टर में आपको नहीं मिलने वाला। बाकी MEMC की सेटिंग भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। उसी के ठीक नीचे प्रोजेक्शन मोड का ऑप्शन है। सीलिंग माउंट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसको जो है सामने शेल्फ में ही लगाना चाहेंगे, टीवी के सामने, टीवी कैबिनेट पे। बाकी ऑडियो सेटिंग में जाएंगे तो यहीं पे आपको डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा और HDMI ARC का ऑप्शन भी यहां पे मिल जाएगा अगर आप कोई साउंड बार इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो। मैं साउंड का सैंपल जस्ट आपको सुनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या वाकई में इसको एक बड़े साउंड बार या स्पीकर सिस्टम की जरूरत है या फिर नहीं। बाकी इसके बारे में अगर आप कुछ ट्रबल शूट करना चाहते हैं या फिर FAQs वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्टर के अंदर ही आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पे कुछ सवालों के जवाब दे रखे हैं ऑलरेडी और इनकी बात मैं वीडियो में ऑलरेडी कर भी रहा हूं। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूंगा। यहां पे मैंने YouTube चलाया जो कि 4K में प्ले होता है। सबसे पहले मैंने इसे व्हाइट वॉल पे प्रोजेक्ट किया और यहां पे कोई स्क्रीन का मैं यूज नहीं कर रहा हूं और लाइट्स ऑफ होने के बाद में इस तरह की क्लैरिटी मिलती है। इंटरफेस इसका कुछ वैसा ही है जैसे हमें और एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मूथ इंटरफेस है। ये प्रोजेक्टर ना 2,59,000 रुपीज का है, यानी कि तकरीबन 2,60,000 रुपए का। इतना इन्वेस्ट जो प्रोजेक्टर पे करेगा ना उसको एक PAT क्रिस्टल वाली ALR स्क्रीन पे भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब ये PAT क्रिस्टल वाली ALR स्क्रीन क्या करती है, ये बेसिकली सीलिंग लाइट्स को ब्लॉक करती है। आप यहाँ स्क्रीन पे हल्की सी जो झिलमिलाहट देख रहे हो ये लाइट्स की वजह से है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे कोई झिलमिलाहट नहीं है। मैं रॉ फॉर्मेट में आपको ये चीजें दिखाना चाहता था। यहाँ पे अगर आप इस तरह की ALR स्क्रीन यूज करते हो तो आपको इस तरह का कुछ आउटपुट देखने को मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्टर को हमें, क्योंकि शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर है, दूर रखने की जरूरत नहीं है, एक बढ़िया आउटपुट यहां पे देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल की है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, ब्लैक्स बहुत अच्छे हैं, इवन मोशन हैंडलिंग भी इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं, प्लेस्टेशन वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्टर पे, या कोई और कंसोल ऐड करना चाहते हैं और गेम्स खेलना चाहते हैं, आपको मजा आ जाएगा। ये आपको रियल होम सिनेमा थिएटर का एक्सपीरियंस देने वाला है। तो लाइट्स में ऑन करना है तो ALR स्क्रीन के लिए जाइए। अब चलते हैं व्हाइट वॉल पे। अब मैंने इसका प्रोजेक्शन साइज और बड़ा कर दिया और इसको नॉर्मल व्हाइट वॉल पे मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अब इस प्रोजेक्टर के अंदर में आपको मिलता है प्रिज्म लेजर टेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस इमेज सेंसर है जो कि आपको ब्राइटेस्ट इमेज देता है अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ में। और यहां पे आप व्हाइट वॉल पे देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये प्रोजेक्टर 150 इंच की स्क्रीन बना सकता है और 150 इंच की स्क्रीन पे आपको ब्राइटेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है। जो पैसा आप खर्चोगे इस प्रोजेक्टर के लिए वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके इनबिल्ट साउंड स्पीकर सिस्टम की कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं अपने यहाँ पे कुछ वीडियोस प्ले करता हूँ। आप पहले ये जो वीडियोस की आप आवाज सुनेंगे ना वो प्रोजेक्टर से आ रही है, तो आप पहले ये सुनिए। बियर्ड क्यून सबका स्वागत है और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ FND की तरफ से आने वाला साउंड बार विद सबवूफर। इसका मॉडल है भाई, मुझे नहीं लगता आपको अलग से साउंड बार या स्पीकर सिस्टम की जरूरत जल्दी पड़ने वाली है, अनटिल एंड अनलेस आप एक बड़ा एक्सपीरियंस के लिए महंगा स्पीकर सिस्टम लगाना चाहो। जो इनबिल्ट स्पीकर है 60 वॉट्स के आउटपुट के साथ में आता है और वो अमेजिंग है। बट स्टिल एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम के लिए आपके पास में ब्लूटूथ 3.5 mm का ऑडियो जैक और HDMI ARC का सपोर्ट इस प्रोजेक्टर में है। अब अपने कंक्लूजन की बात करता हूँ। जितना भी मैंने इस प्रोजेक्टर को टेस्ट किया है, सबसे पहली बात इसकी डिस्प्ले क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। कॉर्नर ब्लर का इशू इसमें मुझे नहीं मिला। दूसरी बात, लाइट्स में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। ALR स्क्रीन अगर आप यूज करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरी बात, स्पीकर काफी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे दे रखे हैं तो आपको जल्दी से ये कमी महसूस नहीं होगी कि आपको एक्सटर्नल ऑडियो कोई भी सिस्टम यहाँ पे लगाना है। महंगा स्पीकर सिस्टम सेटअप अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इस प्रोजेक्टर पे इन्वेस्ट करेगा वो एक बड़ा स्पीकर सिस्टम लगाना चाहे तो लगा सकता है एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। ये प्रोजेक्टर 3D को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप कोई 3D कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो भी इस पे पॉसिबल है। साथ ही में आप OTT को भी आप हाई क्वालिटी में एंजॉय कर पाएंगे इस लेजर प्रोजेक्टर के थ्रू।
इसमें ड्यूअल फैन दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना फैन की नॉइज ज्यादा नहीं मिलती और इसमें ओवरहीटिंग का इशू आपको नहीं मिलने वाला। साथ ही में स्क्रीन कास्ट वगैरह करना चाहें तो अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए ये कंपैटिबल है। अब यार 4K प्रोजेक्टर की ना डिमांड काफी समय से मेरे चैनल पे आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि ये महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे लिए भी मुश्किल था इस तरह का रिव्यू लेके आना, और इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्टर्स पहले अवेलेबल नहीं थे और अब फाइनली इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्टर अवेलेबल हो गया है और एक रियल 4K प्रोजेक्टर आपको इसी दाम में मिलेगा। यानी कि अगर आपको एक बढ़िया 4K प्रोजेक्टर लेना है उसका प्राइस ही 1.5-2 लाख से शुरू होता है और ये वाला प्रोजेक्टर काफी तगड़ा परफॉर्म करता है एक लेजर प्रोजेक्टर के हिसाब से, शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर के हिसाब से और इसके 4K रेजोल्यूशन के हिसाब से। ओवरऑल ये एक बढ़िया सी पिक्चर क्वालिटी आपको दे देता है। इसके वजन की बात करूं तो इसका वजन ही यार 7 किलो के आसपास है, एक भारी सा प्रोजेक्टर है, वन टाइम आपको एक जगह लगाना है और उसके बाद में आप इंजॉय कर सकते हैं अपना पर्सनल होम सिनेमा थिएटर बढ़िया पिक्चर क्वालिटी और बढ़िया साउंड के साथ में। इसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी मैं सस्ते प्रोजेक्टर्स के वीडियोस भी लेके आता रहता हूं, वो भी आपको चैनल पे मिलेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियोस रिव्यूज मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई सवाल है तो कीजिए कमेंट। अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और तगड़े नए गैजेट के साथ में।